करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच बैठक, आज पीएम से मिले थे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी ने ली यूपी में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी, सूत्रों से बड़ी जानकारी। भूपेंद्र चौधरी के बाद अब पीएम से मिलने पहुंचे अमित शाह। यूपी में बीजेपी संगठन में फेरबदल के कयास तेज हैं और इन कयासों के बीच गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, ये जानकारी है। आज पीएम से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलाकात की थी। ये बड़ी और अहम खबर। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अदिति, मुलाकात में किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो भूपेंद्र चौधरी कुछ दिन पहले आज प्रधानमंत्री से हुई, कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से हुई। इस बीच में आप देखें लगातार कुछ ना कुछ गतिविधियां चल रही हैं, जब केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं और यही मुद्दा अभी इतना गर्म है। और इस बीच में अमित शाह का मुलाकात करना प्रधानमंत्री मोदी से, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्तर प्रदेश से 2024 का परसेप्शन बना, और उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं 24 का परसेप्शन खराब हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये मुलाकात, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री जो फीडबैक मैकेनिज्म उनका 2012 से बहुत जबरदस्त है, वो खुद कार्यकर्ताओं को फोन करके फीडबैक लेते थे। उसी फीडबैक के तहत उत्तर प्रदेश का वो फीडबैक समझना चाह रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है। और ऐसे में ये पता लगा कि संगठन और सत्ता के तालमेल में बहुत ज्यादा इश्यूज है। ये बात अलग है कि भूपेंद्र चौधरी ने पूरा फीडबैक देने के बाद ये माना जा रहा है कि इस बात का प्रस्ताव रखा और हार की जिम्मेदारी ली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक जोन, अगर पूर्वांचल का जिक्र करें, अलग अलग जोन का, अवध का, अलग अलग जोन का जिक्र करते हुए जब पूरी डिटेल बातचीत हुई तो आखिर में भूपेंद्र चौधरी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अंततः बात यही है कि मैं ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अंततः बात यह है कि इस पूरे कमी की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। और इस जो भी आपको जो हार हुई जिस तरीके से जिन जिन सीटों पर, उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेकर मैं किसी भी क्षण पीछे नहीं हटूंगा इस्तीफा देने को लेकर, क्योंकि हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ऐसे में प्रधानमंत्री मुस्कुराए और आगे क्या कुछ बातचीत हुई वो सिर्फ कयासों की बात है। लेकिन अमित शाह ने फिलहाल प्रधानमंत्री ने भी यही कहा भूपेंद्र चौधरी को काम करो, और जेपी नड्डा ने भी भूपेंद्र चौधरी को यही कहा कि मन लगा के काम करो, आगे आने वाले 10 सीटों के जो उपचुनाव हैं वो किस तरीके से बेहतर तरीके से निकालने हैं ये अभी फोकस होना चाहिए। संगठन और सत्ता में क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, ये आला कमान पे छोड़ दो।